बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, देश की राजनीति में हलचल मचाने वाली ये खबर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। जी हां, ममता एनडीए में शामिल नहीं है, एनडीए के विरोधी हैं, और उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख जो एनडीए का हिस्सा है, महाराष्ट्र सरकार में केंद्र सरकार में शामिल है शिवसेना, उसके नेता उद्धव ठाकरे के साथ ममता बनर्जी की ये मुलाकात अपने आप में कई सवाल ये मुलाकात खड़ा कर रही है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह स्काइप के जरिए इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, सियासी गलियारे में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है ये मुलाकात, मुलाकात हुई लेकिन बात क्या हुई, खबरें जो है वो छनकर बाहर क्या आ रही है? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि एनडीए की अलाई है शिवसेना और विरोध में है ममता बनर्जी, और इन दोनों की बैठक सबसे महत्वपूर्ण बात कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी 3 दिन के मुंबई दौरे पे हैं। उनका दौरा मुख्यतः यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको पश्चिम बंगाल में निवेश के लिए आकर्षित करना है, लेकिन आज सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ ट्राइडेंट होटल में 5 सितारा होटल में उन्होंने मुलाकात की। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह बात शिवसेना की तरफ से बताई जा रही है कि एक कर्टेसी मीटिंग ही, चूंकि दोनों के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, पहले भी जब नोटबंदी के दौरान उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे, नोटबंदी पर सवाल उठाए थे, तब ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था, जब नोटबंदी को लेकर ममता बनर्जी ने मोर्चा निकाला था तब उद्धव ठाकरे ने उनका समर्थन किया था। कहीं ना कहीं शिवसेना का कहना है कि ये कर्टेसी मीटिंग थी, दोनों का व्यवहारिक मीटिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुलाकात ममता बनर्जी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात क्या गुल खिलाएगी? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।